जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, जो शुक्र देवता यानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य अभी तक आनंद पूर्वक यानी 25 दिसंबर 2023 सोमवार को सुबह 6:55 तक आनंद के साथ अपने ही घर में विराजमान थे और अपने घर का सुख भोग रहे थे तुला राशि के अंदर, अब वो वहां से निकलकर अपने दुश्मन के घर यानी वृश्चिक राशि में मंगल देवता के घर में 25 दिसंबर 2023 सोमवार के दिन 6:55 पर ही प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, शुक्र देवता जो हमारे जीवन में सुख धन वैभव और जीवन साथी के सुख के कारक हैं, भोग और विलास के कारक हैं, सभी प्रकार से हमें लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं, हमारे धन धान्य के भंडारों को भरने वाले हैं, और इनके बिना तो हमारी शादी भी नहीं हो सकती है, इनके आशीर्वाद के बिना। कहते हैं ना, तारा डूबा हुआ है, तो इन्हीं की बात तो कर रहे होते हैं कि शुक्र देवता अस्त हैं, इसका मतलब है कि तारा डूबा हुआ है। तो ऐसे शुक्र देवता जो अभी तक अपने घर में बैठकर हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे, लगभग सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे एक दो लोगों को छोड़कर, अब वो वहां से निकलकर जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो उनके वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से हम सबके जीवन में यानी मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार के अप्स एंड डाउन आने शुरू हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार की नई नई समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो आज मैं गुरु रजनीश ऋषि स्वामी राज ऋषि के साथ शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में प्रस्तुत हुआ हूं आपको शुक्र देवता के इस विचरण की, इस गोचर की, इस राशि परिवर्तन की जानकारी देने के लिए कि इनके राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो प्रभाव शुभ होगा या अशुभ होगा, खुशियां देगा या परेशानी देगा, तो इन सब की चर्चा करूंगा मैं आपके साथ, और आपको अवश्य बताऊंगा कि इनकी इस कष्ट से या इनके सुख संपन्नता को बढ़ाने के लिए आपको क्या छोटा सा आसान वैदिक उपाय करना चाहिए जो कि साल में सिर्फ एक बार किया जाता है, जिसको करने से आप निश्चित रूप से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो प्रिय भक्तगणों, आज का इस यह टॉपिक शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों को जिनका आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, ऐसे सभी लोगों को अपनी तरफ से स्वामी राज ऋषि की तरफ से और इस शनि पीठ मंदिर के पीठाधीश भगवान शनि देव की तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान शनि देव के श्री चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे बाबा शनि देव, आप इन सब भक्तगणों के जीवन में जो हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं 23 लाख परिवार, उन सब के जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की वर्षा निरंतर प्रदान करते रहना, उनको कभी किसी भी प्रकार का कष्ट ना होने देना। तो जो लोग नित्य प्रति इसी प्रकार से भगवान शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं 25 दिसंबर, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्रिसमस डे है, जीसस डे है, पूरे देश में, हमारे देश में और पूरे विश्व में बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला क्रिश्चियंस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है,
तो इस सब त्योहार के लिए भी मैं हृदय से समस्त लोगों को जो इस फेस्टिवल को मनाते हैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनके लिए मंगल कामना करता हूं। तो 25 दिसंबर 2023 सुबह 6:55 पर आसमान में जो ग्रहों की स्थिति थी, मैं सबसे पहले उस ग्रह स्थिति की चर्चा करना प्रारंभ करता हूं। देखिए उस समय आसमान में धनु राशि का उदय हो रखा था, यानी आसमान में धनु राशि जागृत थी। अब धनु राशि में ही बुध देवता और सूर्य देवता दोनों विराजमान या विराजमान हैं। शनि देव कुंभ राशि में तृतीय भाव में विराजमान है धनु राशि से, चतुर्थ भाव में राहु महाराज मीन राशि में विराजमान है धनु राशि से, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में विराजमान है, चंद्र देवता षष्ठम भाव में वृषभ राशि में विराजमान है, केतु महाराज दशम भाव में कन्या राशि में विराजमान है, और शुक्र देवता और मंगल देवता ये दोनों के दोनों ही वृश्चिक राशि में विराजमान है। तो इस ग्रहों की स्थिति के परिणाम स्वरूप मैं आज जो प्रारंभ करने जा रहा हूं, क्योंकि उस समय आसमान में धनु राशि का उदय हो रखा था, तो मैं धनु राशि से ही प्रारंभ करूंगा कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। तो धनु राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में ये जो शुक्र देवता हैं, जो 12वें घर में यानी 12th हाउस में यानी खर्चे के घर में, कोई लोग कुछ लोग इसे मौत का घर भी मानते हैं, कुछ लोग इस घर को मोक्ष का घर भी मानते हैं। प्रैक्टिकली जब देखा जाए तो ये जो हम लोग अनुभव करते हैं कि ये खर्चे का घर है, भोग विलास का घर भी यही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का घर भी यही बन जाता है। तो निश्चित रूप से खर्चा भी होगा और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पर आप लोग खर्च करेंगे, अनैतिक संबंधों पर खर्च करेंगे। यहां पर मंगल देवता का बैठना साथ में थोड़ी सी परेशानी का कारक भी बनता है। मंगल देवता प्रतिनिधित्व करते हैं पुलिस और मिलिट्री को, देव सेनापति हैं। अब मंगल देवता का यहां बैठना, खर्चे के घर में बैठना धनु राशि वालों के लिए उत्तम तो हो ही नहीं सकता। कारण है कि अगर आप गलती से भी किसी पुलिस वाले व्यक्ति का अपमान करने का प्रयास करेंगे तो अच्छे खासे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा पुलिस वालों की तरफ से। तो गलती से भी ऐसा कोई कार्य मत करिएगा। वैसे ही ये पुलिस वाले जो होते हैं ना, हमारे रक्षक हैं, हमारे भक्षक नहीं हैं। हमारी जब हम रात को गहरी नींद सोते हैं तो ये देश के रखवाले विभिन्न वेशों में, कभी मिलिट्री वाला, कभी आर्मी मैन, कभी नेवी वाले बनकर, कभी एयरफोर्स के सैनिक बनकर, कभी पुलिस वाले बनकर, कभी होमगार्ड के जवान बनकर, कभी चौकीदार बनकर हमारी रक्षा करते हैं। तो इनसे किस बात का इनका अपमान करना है, इनका तो सम्मान करिए। जब भी कोई पुलिस वाला मिले तो उसे थम्स अप जरूर करिएगा, चीयर करिएगा, उसको देख के मुस्कुराइएगा, ताकि उसके चेहरे की तखान, उसके चेहरे का तनाव दूर हो सके। तो यहां जो भी व्यक्ति शुक्र ग्रह की इस परेशानी को लेकर परेशान हो धनु राशि वाले, या किसी अन्य ग्रह की परेशानियों को लेकर परेशान हो, क्योंकि मैं जो फल बता रहा हूं वो तो आज के आसमान की स्थिति के अनुसार है, किंतु आपकी जन्म कुंडली में विभिन्न ग्रह की जो विभिन्न स्थितियां हैं उसके विपरीत परिणाम स्वरूप कौन कौन से ग्रह क्या दुष्फल दे रहे हैं, क्या बुरे प्रभाव दे रहे हैं, उन सबको ठीक करने के लिए आपको निश्चित रूप से अपनी जन्म कुंडली, और अगर जन्म कुंडली नहीं है तो चेहरा दिखाकर प्रश्न कुंडली के माध्यम से मुझसे या स्वामी राज ऋषि से स्क्रीन पर आ रहे नंबरों को पर हमसे वीडियो कॉल पर संपर्क करिए। इन नंबरों को सेव कर लीजिए, आपके आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार दोस्तों मित्रों इन सबके बहुत काम आने वाले नंबर हैं, जीवन भर ये नंबर काम आएंगे, क्योंकि यहां पर मैं स्वयं पिछले 33 वर्षों से इन नंबरों पर उपलब्ध हूं, स्वामी राज ऋषि उपलब्ध हैं आपकी सेवा करने के लिए। तो हमारे नाम से इन नंबरों को आप सेव करिएगा, ताकि मुसीबत और परेशानी की स्थिति में कभी भी आपको या आपके किसी मित्रगण को कभी हमारी जरूरत पड़े तो आप हमें याद कर सकें। या फिर आप
शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर स्वयं हमसे रूबरू होकर मिल सकते हैं। ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जय शनिदेव। जय शनिदेव। मेरा नाम महेंद्र है, मैं गाजियाबाद से हूँ। जब से गुरुजी ने मेरे को एक अंगूठी दी तो मेरे को बहुत फायदा हुआ। मैं बहुत ही परेशान चल रहा था तो एंड ऐसा हुआ जब गुरुजी के संपर्क में आया तो मेरी परेशानी भी दूर हुई और मैं अपना जमीन भी ले लिया हूँ, वो भी फाइनल होने वाली है। एंड ये कि मैं कुछ आगे सोच रहा था, वो भी मेरी अच्छी जॉब लगने वाली है। Thank you.